हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है एसएससी एमटीएस 6 अगस्त का। बात करते हैं कैसा एग्जाम, क्या क्वेश्चन था, करंट से कुछ क्वेश्चन आया था? करंट का ही क्वेश्चन था। जो गांधी पीस अवार्ड किसको दिया था 2018 का? 18 का, हाँ। अरे देखिए, अभी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। और क्या क्वेश्चन था? और एक एलिमेंट से आया था केमिस्ट्री से, उसमें पूछा था कि जो डिओड्रेंट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ये डिओड्रेंट वाला क्वेश्चन था ना, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेटेस्ट का और क्या था क्वेश्चन? अभी ध्यान करें तो और क्या क्वेश्चन था लेटेस्ट का? प्लेयर आई थी, वो कौन से खेल से संबंधित है, उनका नाम था प्रणीत कुछ करके, ऐसा कुछ अजीब सा नाम, या नाम था, हाँ प्रणीत नाम से था, वो किस खेल से रिलेटेड थी? सर, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पानीपत का तृतीय युद्ध आया था, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तीसरा युद्ध जागोई नृत्य आया था, वो किस राज्य का है ये पूछा था। और क्या था लेटेस्ट का कुछ? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? मैं ऑप्शन से ताप्ती और यस्कर था सर। आपको पता पहला गठन क्या क्या लोकसभा का पहला गठन कब हुआ था? अच्छा, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? और क्या क्वेश्चन रहा? बायो से कुछ था क्या? बायो से हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो किससे होती है? हाँ, वायरस, फंजाइ, इससे ऐसे ऑप्शन से फाइन। चार मीनार किसने निर्माण किया था? अब्दुल कलाम आजाद की ऐसे कुछ करके बुक थी, वो किसने लिखी थी? ऐसा एक बुक से आ रहा है। इस स्टेट का गुरु शिखर कौन से प्लेटियो का सबसे हाईएस्ट पीक है? गुरु, हाँ ये वाला था गुरु, हाँ यही था गुरु शिखर, हाँ ये भी पीछा था। किस हिमालय का है गुरु शिखर? पीक पॉइंट है। 2019 में कितने संशोधन किए हैं भारत में? मार्च 2019 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान? ये 101, 103, 105 ऐसे करके क्वेश्चन था कि प्राचीन सभ्यता में कितने महाजनपद थे? ये भी था क्वेश्चन, था हाँ ये भी था एक क्वेश्चन था। और भी था हिस्ट्री से कुछ? और भी था, मतलब ओल्ड हिस्ट्री से तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब तीन चार क्वेश्चन थे ओल्ड हिस्ट्री। लाला लाजपत राय का किसने बैंक कौन सी बैंक बनवाई थी? उत्तर ऑप्शन थे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक। मैत्री ने चिल्ला रही है, मैत्री ने कुछ नहीं। हाँ सिंपली रीजनिंग बताइए, रीजनिंग क्या सारा क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताएंगे कुछ? एक क्वेश्चन था स्क्वायर करके माइनस वन कर रहे थे, फिर स्क्वायर करके माइनस वन करते, जैसे नेक्स्ट पूछा था उसमें। सर जैसे 6 लोग हैं एक उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन तो नहीं आ रहा है? ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा, वो अभी पिछली बार भी नहीं आ रहा। कथन निष्कर्ष से क्या रहा? कथन निष्कर्ष ऐसे आ रहा है, ये कुछ ये वाले हैं लेकिन ये वाला ये नहीं है। जो साइकिल हैंडल है, कुछ साइकिल हैंडल है और कुछ हैंडल टायर हैं, ऐसा ही था कुछ। अरे तीन सर्कल बनते हैं। पेपर फोल्डिंग से कितने थे? एक क्वेश्चन था पेपर फोल्डिंग। इमेज हाँ, मिरर इमेज कितने क्वेश्चन थे? तीन मिरर का क्या क्या आकृति वाले 2-3 क्वेश्चन थे, क्या क्या था वो? वो सर उसमें दे रखा था कि ये आकृति, मतलब 3 आकृति दे रखी थी और चौथी आकृति जोड़नी थी उसमें। चौथी आकृति जोड़नी थी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे कोई वस्तु 20% हानि पर इतने बेची जाती है तो इसे 20% लाभ पर कितने बेची जाएगी, वो तो मैथ तो बहुत सिंपल ही था। सिंपल ऐसा ही का डिफरेंस दिया रखा था, उसमें पूछा था अमाउंट निकाला था, डिफरेंस निकाला था, अमाउंट पूछा था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, 2 अच्छे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। क्या थे सर? वो इक्वेशन थी डिवाइड में, कई सारी इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी थी, वो ज्यादा इजी थे, मतलब डिवाइड में ज्यादा नहीं बड़े थे, इजी थे, वो जा सकते थे। टाइम डिस्टेंस स्पीड से भी था, हाँ नाव से था, नाव वाला एक था, ट्रेन वाला क्या था वो बताइए? नाव वाला, नाव में धारा की चाल दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी, तो बोला था कि वो जो स्टील वाटर में कितनी टाइम लेगी, 90 मिनट उसका आंसर आ रहा था। ट्रेन वाला सर कोई डिस्टेंस थी वो मिनट में दे रखी थी, तो फिर पूछा था कि जो स्पीड है बस की वो कार से 2 गुनी है, तो उसको कितने समय में वो पार कर लेगी? संख्या पद्धति से भी था लेकिन वो लॉन्ग था थोड़ा। क्या नंबर सिस्टम से, मतलब कैलकुलेशन थी केवल? एक सर एक क्वेश्चन आया था, वो आपको SCF निकालना था और फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी थी, 7/12 ऐसे कई सारे 3 वैल्यू दे रखी थी, उसमें फ्रैक्शन में SCF आया था। इंग्लिश बताओ, इंग्लिश नियम आया था, ओबीएस आया था, एक कॉशियस आया था, कॉशियस है
आउट ऑफ डेटेड का ईडीएम आया था, आउट ऑफ डेटेड का मतलब क्या होता है? एक अपोजिट आया था सर, कॉशियस का अपोजिट आया था सर। ईदर वाला केस आया था, ईदर ऑफ द टू बुक्स करके आया था, विल मीट आ रहा था, विल के बाद सेकंड फॉर्म आ रही थी तो फर्स्ट फॉर्म आई, वो मीट हो जाता, ये एरर था उसमें। स्पेलिंग मिस्टेक हाँ थी। किसका पूछा सर? उसमें एक जो सही वाला वो सही था, उसमें जो वो थी मिनिएचर की स्पेलिंग सही थी, उसमें मिनिएचर की स्पेलिंग सही थी, बाकी सारी इंटरेस्ट वगैरह की जो स्पेलिंग गलत लिखी थी मिनिएचर वाली सही थी उसमें। अच्छा, पैराग्राफ भी होगा, पैराग्राफ नहीं है, क्लोज टेस्ट था और बहुत इजी था। एक टर्टल था जिसको मतलब मिला है वो, और वो उसको एक जो प्यार करने वाला एनिमल लवर है वो उसको बचा लेता है, बहुत इजी था। मतलब ग्रामर मिस्टेक थी उसमें, लॉजिकल वर्ड वोकैब वेज नहीं आया, वो क्लोज टेस्ट जो आया है बहुत इजी था। पाइप एंड टंकी से भी आया कुछ क्वेश्चन? हाँ नहीं, पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन नहीं, दो डायमंड वर्क सही थे, एक इतने में करता है, दो इतने में करता है, तीनों इतने में करते हैं, तो जो जेड वाला वो कितने में करेगा? रेशियो से एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड रखा था और एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात दे रखा था, उसमें पूछा था वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ऐसे पूछा था उसने। ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था सिलेंडर का था, उसमें क्या दे रखा था? उसमें सर कर्व सरफेस एरिया दे रखा था और उसका जो वॉल्यूम पूछा था। हाँ ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, वर्ग का विकर्ण दे रखा था, उसका परिमाप पूछा था, ज्योमेट्री दे रखा था, ज्योमेट्री से सर एक भी क्वेश्चन नहीं, सिंगल क्वेश्चन नहीं है, विकर्ण 24 दे रखा था उसका। हां सिंपल है, किसी में टाइम भी ज्यादा लगा आप लोगों को? टाइम टेकर नहीं है सर, लेकिन जो अभी जो ये जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, मैं जीएस जितना स्टैटिक हो सके वो चीज़ें पढ़ लो, जैसे प्रीवियस में जो बीमारी आ रही है, डांस तो आ ही आ रहे हैं हर एग्जाम में आ रहे हैं। एक और बात है, पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, जैसे कल फर्स्ट शिफ्ट में करंट का कम क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट में मतलब 7-8 क्वेश्चन लेटेस्ट अभी 2019 के दे दिए, अभी आप बता रहे हो कि दो क्वेश्चन 2019 के दे दिए, है ना? इसी तरह कब क्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब एक पैटर्न नहीं है कि आप केवल स्टैटिक पढ़ लो उससे काम हो जाएगा, आपको सब कुछ पढ़ना होगा, लेटेस्ट भी पढ़ना होगा, अभी का जो करंट अफेयर्स है 2019 का वो भी देखना होगा आप लोगों को, है ना? ये जो जीएस पे फोकस कर लो, बाकी सारा इजी कुछ आ रहा है इंग्लिश में, कोई इजी बहुत इजी इंग्लिश है सबका। बायो से पूछता है क्या? बायो से वो हेपेटाइटिस वाला याद है। केमिस्ट्री का कोई? केमिस्ट्री का वो पूछा था, ड्यूडोरेंटर में कौन सा एलिमेंट मिलता है? आयरन एल्यूमिनियम वाला, ये वाला क्वेश्चन। फिजिक्स सिंगल नहीं, मुझे नहीं लगा। 1816 में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था किस बैकग्राउंड के नाम, उसमें ये थे, उसमें तीन साइंटिस्ट दे रखे थे, तो जो वो थ्योरी आई थी उसमें पूछा था कि इनमें से कौन थी, जो थ्योरी बनी थी पीरियोडिक टेबल से उससे रिलेटेड तीन चार साइंटिस्ट दे रखे थे, उसमें पूछा था शायद इसमें कौन सा नहीं है या इसमें पूछा था, मैं छोड़ गया मुझे याद नहीं। कितने अटेम्प्ट्स दिए आप लोगों ने टोटल? मैंने 84 क्वेश्चन दिए। आप लोगों ने 70 87 92 96। नेगेटिव मार्किंग था फिर भी इतना गया? 85 का। अच्छा टाइम बच गया था या फिर क्वेश्चन छूट गया था? टाइम नहीं बचा था, 10 मिनट बच गए थे, किसी का बच गया किसी का नहीं बचा। एवरीजन बात की जाए तो टाइम मतलब सही था, सही था, सही है। आप सोच के कैलकुलेशन, आप यूं मानो कि वो जो पाई चार्ट आया था वो बहुत इजी आया था, कैलकुलेटिव नहीं था, बहुत ज्यादा इजी था। डिफरेंस पूछा था या किसमें पूछा किसका कितना किसका परसेंट कितना ज्यादा है, ये बहुत इजी था कि किसका कितना परसेंट ज्यादा, बहुत इजी थे कैलकुलेटिव, थोड़ा थोड़ा जोड़ लो बस। एक तो योगी पूछा था टोटल कितने, एक अंतर पूछा था, एक का वो पूछा था बस परसेंटेज में। यही क्वेश्चन सही रहा। अच्छा लग रहा है लोग भी आ रहे हैं ना भैया, इससे पहले वाला जो था एग्जामिनेशन जैसे CHSL और CGL उसमें काफी बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, लेकिन अभी देख रहा है भीड़ जिस तरीके से है, काफी लोग वहाँ भी सारी सीटें फुल थी? नहीं, कुछ अब्सेंट थे, हमारी क्लास से 5 अब्सेंट थे। कितने टोटल थे क्लास में एग्जाम दे रहे कितने थे? टोटल तो नहीं गिना, लेकिन 50 तो होंगे, नहीं 100 तो ज्यादा थे, 40% हम इतने में थे, तो यहाँ पे करीब 10 सीट यहाँ 10 सीट यहाँ, तो यहाँ पे करीब 6 जने थे, 20 लोगों में से करीब 6 का 6-7 का एवरेज था। हम तो इतने में बैठे थे बस, इतने इधर का पता नहीं पेपर छूट गया तो हम देख नहीं पाए उधर क्या हुआ, इधर उधर कुछ लोग छोड़ रहे हैं। मैं भी यही था, मेरे में भी 5-6 लड़के बैठे थे और बाकी के पीछे तो पूरी खाली थी, पीछे खाली थी, 2-3 बैठे, 5 अच्छे नहीं थे हमारी क्लास में, मतलब अभी भी छोड़ रहे हैं लोग, कुछ लोग छोड़ रहे हैं एग्जाम, लेकिन सिंपल एग्जाम है, सिंपल एग्जाम इजी आ रहा है। वैसे जितना ज्यादा लोग छोड़ते हैं उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है जो एग्जाम दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। ओके, तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए, थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है लगातार, जो जनरल अवेयरनेस की बात करें, कभी स्टैटिक जीके कभी ज़्यादा पूछ रहा है, कभी आपको करंट का ज़्यादा पूछ रहा है, जैसे आज स्टैटिक से काफ़ी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, तो बेल आइकन जरूर दबाएँगे।
अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, तब सबको पता चल सके क्या एग्ज़ाम चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।